स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग जा रहे हैं मार्केट में थोड़ा सामान वामान खरीदने। पटना का एक मार्केट है, सब्जी मंडी भी है उधर, और जिसका नाम है मुसल्लाहपुर हाट, जो पटना में होगा वो जानता होगा उसके बारे में। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, देखते हैं क्या क्या हम लोग खरीदते हैं और क्या क्या हमें मिलता है। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं तो देख रहे हैं काफ़ी भीड़ उड़ भी है मार्केट में, बाज़ार में आ गए हम लोग। मार्केट में देख रहे हैं काफ़ी इधर सब्जी उब्जी लगा हुआ है, इधर मिल रहा है, सब्जियाँ खरीदेंगे और इधर कंबल उम्बल कपड़ा उपड़ा सब बिचा रहा है, एकदम हीरो जैसा लाइन से लगाया हुआ है दुकान। इधर सब्जी काफ़ी बढ़िया रेट पे मिलता है, और टमाटर गाजर मूली खीरा सब मौजूद है, पूरा खतरनाक एरिया है। और बर्तन उर्तन से लेके अन्य प्रकार के पूजा पाठ सामग्री, ये चौकी बेलना घंटा घंटी पांसुल छोलना बेलनी सब कुछ, स्टूडेंट सब रहते हैं, स्टूडेंट सब रहते हैं ना। ये आलू का दुकान, खाली आलू है, आलू है, आलू है, आलू, आलू है, आलू, लाइन से आलू देख रहे हैं। ये सब होलसेल मार्केट जो होता है ना, एक तरह से वो है सब्जियों का, एथू का। और यहाँ पे काफ़ी सही, एक तो पूरा सासनम वाला जैसा फीलिंग आ रहा है, गोला करने वाला नहीं जी। ऐसा तो जो मार्केट रहता है ना ऐसा ही रहता है, इधर चावल दाल गेहूँ सब एकदम मस्त मिल रहा है, लाइन से एकदम गंध आ रहा है गुड़ का, चूरा का, अन्य प्रकार के सब्जियों का। और इधर पूरा लाइन से यही सब बनाया गया है, आटा का सब जो है ना, इधर लाइने से दाले दाल अन्य प्रकार का जो घर का सामग्री होता है हर कुछ यहाँ पे हम चित्र रोड पे मिलते रहता है। देख रहे हैं किलो 30 मूली गाजर सब कुछ मिलेगा, बड़का बड़का मूली। देसी मटर 1 किलो 30 क्या लिया जाए हो? टमाटर, नींबू, टमाटर का ही, टमाटर क्या रेट है टमाटर का? 20। ठीक है तो ठीक तो ले लो, हमें 20 में दो किलो महंगा भाई जी। टमाटर जो है ना, टमाटर का रेट यहाँ पे 20 रुपये किलो है, लेकिन सासाराम में 20 रुपये में 2 किलो मिल रहा था। और ये हमको लेना है तो ले लो, क्या दिक्कत, धन राशि दे दो इनको। ठीक है तो दोस्तों, इधर धनिया मिल रहा है आदि, और आप देख सकते इधर धनिया और आदि लहसुन मिल रहा है, और हम लोग लेंगे धनिया पत्ता ठीक ठाक रेट पे मिल रहा है, 5 का 1 पाव मिल रहा है। धनिया तो काफ़ी ठीक रेट पे मिल गया ना, धनिया बराबर है। तो इधर हम लोग आ गए थे पत्ता गोभी लेने, इधर पत्ता गोभी और कोहड़ा बैंगन ये सब मिल रहा है, तो पत्ता गोभी लेना हमें। तो देखते हैं कौन सा सही रेट पे मिल जाता है, और वैसे क्या बोलते हैं, पत्ता गोभी लेना था हम लोग को, और उसके बाद एक देखेंगे तो फूल गोभी भी लेना, फूल गोभी भी लेंगे। और देखते हैं 1 किलो से ज़्यादा हो गया क्या, तो ये वाला कितने दे दें? 24। वो कितना था? 22। ये फॉर्म में आगे लाना है मस्त वाला देगा वाह 20 रुपया ले लिया ना, 22 है लिया रुपीज़, देखिए 22 लिया। तो इधर वाले मार्केट में आपको सिर्फ ये फूल गोभी दिखाई देगा, देख रहे लाइन से फूल गोभी है, और 2 किलो 1-2 किलो लेना है। तो देखते हैं कौन सा बढ़िया मिल जाता है, इधर टमाटर आलू, इधर साइड में पूरा आलू आलू आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको ये क्या बोलते हैं फूल गोभी। तो पूरा इसमें से थोड़ा बीच लिया जाए कौन सा बढ़िया है, क्योंकि ये वाले गोभी में पिल्लू जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा भी निकल जाता है, कभी कभी वाइट वाइट रहता है, उसी के जैसा दिखाई भी नहीं देता है, उसके अंदर छुपा रहता है। तो ये वाले गोभी में थोड़ा ध्यान से देख दाख के लिखना पड़ता है कि कहीं झोल तो नहीं है, लेकिन काफ़ी ठीक दे रहे हैं, क्योंकि ये उसका डंटी उंटी काट के जोख रहे हैं, तो काफ़ी सही है, अच्छा लगा मेरे को। तो फाइनली हम लोग का सब्जी उब्जी ले चुके हैं, देख रहे हैं व्यवस्था पूरा एकदम,
और मतलब बैचलर लाइफ है, थोड़ा बहुत सब्जी उब्जी चलता है, एक दो दिन एक दो आदमी को खाना है तो कितना लोग खाएगा क्या, तो हो चुका है। चलिए अब जल्दी मिलते हैं। फाइनली दोस्तों घर में पहुंच चुके हैं, और आपको पटना का सब्जी मंडी का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और आशा करते हैं कि आपको भी मज़ा आ गया होगा मेरे साथ सब्जी खरीद के और देख के। तो फिर एक वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए ऐसे ही देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मिश्रा जी ब्लॉग को।